आरा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जगदीशपुर में इंडी गठबंधन समर्थित भाकपा माले उम्मीदवार सुदामा प्रसाद के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा में तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मीडिया पर निशाना साधा। साथ ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनको भगवान ने अडानी के लिए काम करने को भेजा है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर हम उल्टा करेंगे, करोड़ों लखपति बनाएंगे, महालक्ष्मी योजनाओं पर काम शुरू होगा, तमाम गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, हर गरीब परिवार में एक महिला को 5 जुलाई के दिन सुबह 9 बजे बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए मिलेंगे, हर महीने खटाखट खटाखट ये पैसे मिलेंगे। देशभक्ति की भावना है, तुम जाओ, इनको कहा जा रहा है कि दो तरीके के जवान होंगे, एक अमीर घर का बेटा होगा जिसे जवान कहा जाएगा, जिसको शहीद का दर्जा मिलेगा, और दूसरा गरीब घर का बेटा होगा, बिहार के किसान का बेटा होगा, जो सेना में जाएगा उसको सेना से निकाल दिया जाएगा, उसको ना पेंशन मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना कैंटीन मिलेगी, अगर उसके साथ कुछ होता है सरकार उसकी रक्षा नहीं करेगी। हम इस बात को नहीं मानेंगे, अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में डालेंगे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं बिहार के युवाओं को, नरेंद्र मोदी जी ने इनको भरा नहीं है। अदानी जी का काम किया, मगर जब नौकरी देने का समय आया नहीं दी। जैसे हमारी सरकार बनेगी 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे, जैसे बिहार में तेजस्वी जी ने किया, नौकरी देने का काम किया, जैसे इन्होंने किया अंकल जी भाग गए।